सर हमारे पति की दोनों किडनी फेल हो गया था। हमारी मजबूरी सर आ गई, हमारे पे दो बच्चे थे, जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई, हमें घर मकान कुछ था नहीं। तो फिर हम 2016 में सर ट्रक में गए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, वहाँ हमें इंद्रदीप चड्डा साहब ने अपने कंपनी में चालक के पहले तो हेल्पर के रूप में वो रखा, फिर उन्हीं के कंपनी में हम गाड़ी चलाना सीखे। तो दिल्ली से बॉम्बे चले, इधर दिल्ली से तिनसुकिया गुवाहाटी आसाम सब चले, बंगाल भी चले। फिर 2020 में योगी जी ने और मोदी जी ने महिला चालक की वैकेंसी निकाला था तो हमें पता लगी, फिर हम सर फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरे तो कानपुर के प्रधानाचार्य जी ने हमें 2022 में भर्ती लिया। फिर वहाँ से हम सर ट्रेनिंग करके मई में 15 मई को पास हो गए। तो सितंबर में हमें 1 सितंबर को ज्वाइनिंग कौशाम्बी मिली। फिर हमारे सर यही आज हम रोडवेज में ट्रेनिंग पे हैं। हमारे एम साहब भी, फोरमैन जी भी बहुत अभी भी मदद करते हैं, क्योंकि तनख्वाह तो सर हमें कम मिलती है, पर एआरएम साहब और फोरमैन जी हमें हर एक चीज़ से मदद देते हैं, क्योंकि मैं विधवा हूँ, हमारे दो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो हमें ये सर दोनों मदद देते हैं। बहुत रोडवेज में तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक में थोड़ा बहुत रात दिन चलते थे तो कभी टायर पंचर हो गया, कभी कोई बात ही हो गया तो दिक्कत आती थी, पर सर ट्रेनिंग पे हम जब से विभाग में आए हैं हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं।